नमस्कार दोस्तों, टैली सफर में आपका स्वागत है। फ्रिट्सविला सीजन 13 में एक के बाद एक कपल में हो रहे आइडल मैच कनेक्शन, तो वहीं दूसरी तरफ कंटेस्टेंट में हो रही फाइट्स इस सीजन में काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई है। फ्रिट्सविला 13 के पहले तीन आइडल मैच कनेक्शन थे कैट केविन, जय अदिति, ध्रुव सपना, और अब एक और कपल बन गया है फ्रिट्सविला का चौथा आइडल मैच कपल। जी हाँ दोस्तों, निखिल और पलक बन गए हैं स्प्रिट्सविला के चौथे आइडल मैच कपल, तो वहीं उन्हें मिल जाती है स्पेशल पावर इस गेम शो के चलते। बता दें कि बूम बाम गैंग टास्क जीतती है तो उन्हें गोल्डन अपॉर्चुनिटी टास्क परफॉर्म करने का मौका मिलता है, और इस टास्क को जीतकर वो ओरेकल के सामने अपना कनेक्शन टेस्ट कर सकते हैं। जय और अदिति आइडल मैच कनेक्शन होने के कारण उन्हें ये टास्क परफॉर्म नहीं करना था, तो वहीं निखिल, पलक, शिवम और भूमिका टास्क परफॉर्म करते नजर आए। वहीं निखिल और पलक फिर से कनेक्शन बनाकर टास्क परफॉर्म करते हुए नजर आए। आखिर में निखिल पलक ने टास्क जीत लिया तो उन्हें ओरेकल के सामने जाने का मौका मिला, और वो दोनों स्प्लिट्सविला के चौथे आइडल मैच कनेक्शन बनकर सामने आए। अब निखिल पलक के आइडल मैच बनने से गेम में क्या कुछ बदलाव आते हैं ये देखना होगा काफ़ी मज़ेदार। वहीं दूसरी तरफ स्प्लिट्सविला में मसाला और ड्रामा बढ़ाने के लिए वाइल्ड विला से चार वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट लौट रहे हैं स्प्लिट्सविला में, जो है पीयूष, समृद्धि, अवंतिका और सामर्थ्य। जी हाँ दोस्तों, पीयूष, समृद्धि, अवंतिका और सामर्थ्य सोशल मीडिया पर लीक हुई तस्वीर में टास्क परफॉर्म करते हुए नजर आए, तो उनकी वापसी हुई है स्प्लिट्सविला में। तो निखिल पलक के आइडल मैच कनेक्शन और वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर आपके क्या विचार है अपने कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे स्प्लिट्सविला सीजन 13 हर शनिवार शाम 7 बजे MTV पर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही स्प्लिट्सविला सीजन की खबरें सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें टेलीसफर।